तो चलो बच्चों, आज मैं बताता हूं क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले आप ही का एग्जाम्पल लेता हूं। आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने का, तो आप कितना भी ट्राई कर ले, कितने भी घंटे काम कर ले या पढ़ ले, आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज आप मोटिवेटेड ही नहीं है। तो हमें अगर स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो यहाँ पर हमें सपोर्ट और एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम कितना भी ट्राई कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, अगर हम मोटिवेटेड नहीं है तो हम जो है कुछ याद नहीं कर सकते। वैसे ही अप्लाई होता है एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का, जो कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। वो आएंगे, काम करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फेक्शन है, वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। तो वो आकर काम जो है आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन वो अच्छे से हार्ड वर्क जो है वो नहीं करेंगे और कंपनी को अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है मोटिवेशन से रिलेटेड। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीएस गौरव सेठ और आज फिर से आपको FY बीकॉम का सेम 2 VNSGU का चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक करके ही जाने हैं और गारंटी है कि आपके एग्जाम में मार्क्स जो है वो आएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक और इसका लेक्चर। ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इसको अच्छे से करिए और मार्क्स को सिक्योर कीजिए। तो सबसे पहला आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन दे रखी है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, इतना अच्छे से इंस्पायर करना, उसको एक्साइट करना कि वो अपना ऑब्जेक्टिव जो उसका एम जो है वो उसको पूरा कर सके। तो देखिए आपको डेफिनेशन दे रखी है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि पीपल को एक्साइट करे, उसके अंदर इंस्पिरेशन लेकर आए और वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। अगर कोई इंसान है या पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सुस्त है, उसके अंदर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, तो वो अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, वो कभी भी हार्ड वर्किंग नहीं होगा। तो मोटिवेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम किसी को स्टिम्युलेट करते, उसके अंदर इंस्पिरेशन जगाते हैं, जिससे कि हमारा डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स हमारा जो भी एम है वो पूरा हो। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन देखते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है, हमारा कॉन्शियस। अगर हमारा मोरल जो है मोटिवेशन डाउन है तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो मोटिवेशन अंदर से आता है, तो इसीलिए मोटिवेशन जो है, इंस्पिरेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है और वो डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज नीड। हमारे नीड को, हमारे गोल्स और डिजायर को पूरा करना है, तो इसीलिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है नीड। और थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करता है मैंस की नीड पर। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को हमें किस तरीके से इंस्पायर और मोटिवेट करना है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। कोई अगर स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई म्यूजिक में है, उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो अलग होगा। तो चिल्ड्रन का मोटिवेशन की नीड अलग होती है और अडल्ट की मोटिवेशन की नीड अलग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोटिवेशन डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, एज और पर्सन के हिसाब से, उसे किस तरीके से, कौन से बेसिस पर हमें मोटिवेट करना है, वो भी इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर। अगर हमने किसी को अच्छे से इंस्पायर कर दिया, उसका बिहेवियर चेंज होगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा और अपने ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को वो पूरा करेगा। नेक्स्ट है, मोटिवेशन डिपेंड करता है किसी को क्या मोटिवेशन की जरूरत है। एक पर्टिकुलर पर्सन बी को क्या मोटिवेशन की जरूरत है, पर्टिकुलर पर्सन सी को क्या मोटिवेशन की जरूरत है, तो डिपेंड करता है, सबको एक जैसा हम मोटिवेट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है पर्सन को कैसा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की जरूरत है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय जो हैं अगर हम उन्हें मोटिवेटेड रखें तो इससे हमारे बिजनेस को ही फायदा है। तो इसीलिए एम्प्लॉय का मोरल या मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन के थ्रू बढ़ता है और वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और अल्टीमेटली एज अ कंपनी को पूरा फायदा होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अगर उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाए, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है,
बॉस जो है उसका काफी ज्यादा बॉसी नेचर है, वो उनके काम को रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए अगर उन्हें मोटिवेशन और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाए तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मास्लोस थियोरी ऑफ मोटिवेशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी एनएसयू की एग्जाम में पूरे चैप्टर में से यही क्वेश्चन हर टाइम पूछा जाता है, तो ये जो है टॉपिक जो है वो शॉर्ट शॉर्ट आपको करके ही जाना है। तो देखते हैं मास्लोस थियोरी ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहली अगर हम नीड की बात करें, मास्लो ने ये बताया कि सबसे पहली जो हमारी फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी नीड्स होती है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, और जितने भी दूसरी नीड जो है उस पर वो ध्यान ही नहीं देगा। हम भूखे हैं, अगर हम भूखे हमें फूड रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो रही है, हमारे पास शेल्टर ही नहीं है, तो दूसरी नीड्स का मतलब ही क्या है। तो सबसे पहली नीड जो है मास्लो ने यही कहा है कि सबसे पहली नीड जो है फूड क्लोथिंग वाटर शेल्टर की, वो जो ह्यूमन बीइंग्स की प्राइमरी नीड्स है या फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही वो दूसरे नीड्स को इम्पोर्टेंस देगा। अगर मेन नीड्स ही सेटिस्फाई, प्राइमरी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो दूसरे नीड्स को इम्पोर्टेंस देगा ही नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास प्राइमरी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट मास्लो ने ये कहा कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर उसकी प्राइमरी नीड सेटिस्फाई हो रही है तो वो देखेगा कि मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है या नहीं है। खाना भी मिल रहा है, हमारे पास शेल्टर भी है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर आए दिन जो है वो चोरी होती है, हमको मेंटल पीस नहीं है। तो नेक्स्ट जो है पर्सन जो है वो डिजायर करता है कि हमारी प्राइमरी नीड्स तो सेटिस्फाई हो, उसी के साथ साथ हमारा सेफ्टी कंसर्न या सेफ्टी भी हो। तो नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंस देता है सेफ्टी नीड्स को, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी हो गई, जॉब जो है वो उसे मिलनी चाहिए और सिक्योर्ड होनी चाहिए, उसको सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंस देता है सेफ्टी नीड्स को। और इसी के साथ साथ आ जाता है पर्सनल नीड्स, एम्प्लॉयमेंट या जॉब सिक्योरिटी, रिसोर्सेस, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट, एक बार प्राइमरी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी इंपॉर्टेंट नीड है सेफ्टी नीड, उसको एक मेंटल पीस की भी जरूरत है। थर्ड टॉपिक हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को मास्लो ने ये बोला है कि प्राइमरी नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई है, सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाई है, अब उसे लोगों से एक बिलोंगिंगनेस या प्यार की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है हमारा सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर वो चाहता है कि उसे अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने कलीग से, जहां पर वो काम कर रहा है, बॉस से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या लव एंड अफेक्शन की फीलिंग जो है वो आए। यहाँ पर देखिए, सच नीड्स इंक्लूड फीलिंग ऑफ गेटिंग लव, और उसी के साथ साथ उसे रिस्पेक्ट मिले, सपोर्ट मिले फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, और उसके जो कलीग्स है जो कि वहां अपने वर्क प्लेस पे हैं, वहां से उसको सपोर्ट जो है वो मिले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेसी, फैमिली नीड्स हो गई, तो ये सब जो है वो लव एंड बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड में कवर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टीम एंड स्टेटसेस। हमारी ये तीनों नीड्स तो सेटिस्फाई हो रही है, उसके बाद मास्लो ने ये कहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है अगर सारी नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो रही है तो वो अब चाहता है कि उसका स्टेटस जो है वो सोसाइटी में बढ़े, वो काफी ज्यादा उसके रिकॉग्नाइजेशन हो, उसके काम को पहचान मिले। जैसे कि एम्प्लॉय है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उसकी एक नीड है कि जो भी वो काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, उसके पूरे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उसके काम को पहचान मिले, रिकग्नाइजेशन मिले। वो हार्ड वर्क भी कर रहा है लेकिन बॉस जो है उसे इग्नोर कर रहा है उसके हार्ड वर्क को, तो वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होगा और हो सकता है कि वो जॉब जो है वहां से छोड़ दे। तो इसीलिए एस्टीम नीड जो की होती है रिकग्नाइजेशन मिले, फ्रीडम मिले और स्ट्रेंथ मिले। तो ये देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक नोन, देखिए एस्टीम नीड्स एंड स्टेटस नीड्स में हमारा स्टेटस हो सोसाइटी या हमारे वर्क प्लेस पे, तो
तो एक पोजीशन नीड और हाई क्लास नीड जो है वो सारी एस्टीम नीड्स में आ जाती है। सेल्फ अप्रेजल मिले, उसके काम को रिकग्नाइजेशन मिले कलीग्स और ऑफिसर से, और उसकी रेप्यूटेशन जो है वो बढ़े। और अगर वो उसकी सारी रिकग्नाइजेशन या रेप्यूटेशन बढ़ती है तो उसकी डिजायर जो है वो और बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट है फिफ्थ नीड। हमारी सारी नीड्स कंप्लीट हो गई है, हम फेमस भी हैं, हमारे काम को रिकग्नाइज भी किया जाता है। अब मास्लो ने कहा है कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो है, ये सारी नीड्स अगर सेटिस्फाई होती है तो एक एम है उसका कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और एक फेमस पर्सनालिटी वो बने, उस वो लाइमलाइट में आए, टीवी में आए। तो ये देखिए, आपको ये जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, दैट इज डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, एकदम जैसा, एकदम हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचना, वो जो होता है वो कवर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन ट्राइज टू सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ईच पर्सन, हर कोई जो है वो टॉप पर पहुंचना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, बहुत ज्यादा फेमस होना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ पर लोग उसके इंस्पायर होते हैं, तो उसने अपना स्टेटस जो है वो वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। तो ये जो है सब आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं अमिताभ बच्चन, जिनको इवन एज अ गॉड भी वर्शिप करते हैं। तो ये जो नीड, जहां पर हम जो है वो अपना फेमस होना चाहते हैं, टॉप पर आना चाहते हैं कि सब मुझे जाने, तो ये सब नीड जो है वो कवर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में। तो ये टॉपिक जो है हमें अच्छे से ही करके जाना है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, PSLES, ठीक है, PSLES। इस तरीके से ये टॉपिक जो है हमें शॉर्ट शॉर्ट करके ही जाना है एग्जाम में। आई होप आपको मास्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कि हमने मास्लो थियरीज पढ़ी, वैसे ही एक पर्सनालिटी की हम बात करते हैं, जो कि एक मॉडल लेकर आए थे, एक थियोरी लेकर आए थे। वो टॉपिक जो है वो है हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन थियोरी, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज टू फैक्टर थियोरी। यहां पर हर्ज़बर्ग ने दो फैक्टर बताए हैं जो कि मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सारे नाम अच्छे से याद रखने हैं। हर्ज़बर्ग मोटिवेशन थियोरी मॉडल हमें पूछ सकते हैं, नेक्स्ट या टू फैक्टर थियोरी मॉडल पूछ सकते हैं। तो वहां पर हर्ज़बर्ग्स ने ये बताया है कि दो फैक्टर की जरूरत है जो कि एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस पर इंफ्लुएंस या मोटिवेशन देता है। तो दो फैक्टर्स है, एक फैक्टर का नाम ही है मोटिवेटर, इसके नाम से ही आपको लिखना है कि ये जो फैक्टर जो है वो एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो बहुत हार्ड वर्क करे। और नेक्स्ट, मोटिवेटर्स की वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है और अल्टीमेटली पूरे कंपनी को एज अ होल जो है वो फायदा होता है, बिकॉज ज्यादा काम होता है मोटिवेटर्स की वजह से। नेक्स्ट फैक्टर उन्होंने बताया हाइजीन फैक्टर्स, या उसे हम डिससैटिस्फायर्स भी बोलेंगे। तो हाइजीन फैक्टर्स का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर मोटिवेटर्स के अंदर तो मोटिवेशन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, लेकिन यहाँ पर हाइजीन फैक्टर से कोई एम्प्लॉयज को एनकरेंजमेंट नहीं मिलता है। वो काम तो करेगा, ठीक है, जो उसका रोज का काम है वो आएगा ऑफिस, काम करेगा और चला जाएगा, लेकिन उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। वो काम तो करेगा लेकिन हार्ड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही चीज दे रखी है कि हाइजीन फैक्टर से एम्प्लॉयज जो है वो एनकरेज नहीं होता है हार्ड वर्क करने के लिए, लेकिन बट इट विल कॉज देम टू बिकम अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेटेड जो है वो नहीं होगा, वो आएगा, काम करेगा और चला जाएगा, हार्ड वर्क वो नहीं करेगा जैसी उसकी वर्किंग कंडीशन है। दीज फैक्टर्स ओनली प्रिवेंट डिससैटिस्फेक्शन, जो वहां पर उसको वर्क प्लेस पर डिससैटिस्फेक्शन है तो वो हाइजीन फैक्टर्स से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होता है, कंटिन्यूसली आएगा, काम करेगा और चला जाएगा। नेक्स्ट, दे डू नॉट मोटिवेट, यही चीज लिखी गई है कि वो डिससैटिस्फेक्शन तो पूरा करेगा, सैटिस्फेक्शन को लाएगा, लेकिन यहाँ पर वो मोटिवेट नहीं करेगा। तो ये देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज जो थे वो वर्किंग कंडीशन से काफी ज्यादा डिससैटिस्फाई थे, फिर
काफी ज्यादा अनमोटिवेटेड थे, लेकिन फिर क्या किया वहां का मैनेजमेंट ने, हाइजीन फैक्टर्स जो है वो एम्प्लॉय किए। हम समझेंगे व्हाट आर डिससैटिस्फायर्स और हाइजीन फैक्टर, तो यहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉय किए, जैसे कि वर्किंग कंडीशन उनकी सुधारी, ठीक है, पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स सुधारी, सैलरी पैकेजेस थोड़े अच्छे कर दिए। तो इसकी वजह से जो उनका वर्किंग कंडीशन पे, जो वर्क प्लेस पे डिससैटिस्फेक्शन था वो चला गया, लेकिन अभी भी वो मोटिवेट नहीं हुए, रोज आते हैं काम करते हैं और चले जाते हैं, अभी तक उनके अंदर ज्यादा काम करने का मोटिवेशन नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने मोटिवेशन फैक्टर्स को एम्प्लॉय किया, इससे एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाई भी हुए और उसी के साथ साथ मोटिवेट भी हुए और वो हार्ड वर्किंग बन गए। तो ये हमें BNSU की एग्जाम में 2 मार्क्स में काफी बार पूछते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर वर्क के हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या हैं। हाइजीन फैक्टर्स मींस डिससैटिस्फायर्स ही होते हैं, तो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन अगर सुधर जाए, पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस सुधर जाए, लोगों की सैलरीज और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो सुधर जाए, सुपरविजन अच्छे से हो, स्टेटस वहां पर उन्हें मिल रहा हो, रिकग्नाइजेशन मिल रहा हो, जॉब सिक्योरिटी है, कोवर्कर्स, हमारा माहौल कैसा है, हमारे साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज कैसे हैं उस पर, और हमारी पर्सनल लाइफ पर भी अटेंशन दिया जाए, तो इससे वो मोटिवेट तो नहीं होगा, लेकिन वहां की वर्किंग कंडीशन सुधर जाएगी और वो वहां पर काम करेगा। लेकिन अगर हम मोटिवेटर्स फैक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर उसके काम को बहुत ज्यादा पहचान मिल रही है, वो हार्ड वर्क कर रहा है और पहचान मिल रही है सारे कलीग्स के सामने, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेगा, अचीवमेंट्स है उसके, अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं उसे, एडवांसमेंट कंपनी जो है वो एडवांस करती जा रही है, ग्रोथ हो रही है उसके पोजिशन की, प्रमोशन होते जा रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और चैलेंजेस जो है वो सौंपे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सारे फैक्टर्स उसको वर्क प्लेस पर मिल रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा, एनकरेजमेंट मिलेगी और वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और कंपनी के गोल को अचीव करेगा। तो ये हमें 2 मार्क्स के हिसाब से इसको याद करना है, हमें पूरी लिस्ट जो है डिससैटिस्फायर या हाइजीन फैक्टर्स की और मोटिवेटर्स की पूछी जाती है, तो इसे भी अच्छे से याद करना है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टूल्स ऑफ मोटिवेशन, मींस हमें हमारे एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेट करना है जिससे कि वो आकर अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से काम करें और कंपनी एज अ होल को फायदा हो, एम्प्लॉय मोटिवेट होके। तो देखते हैं 2 टाइप के मोटिवेशनल टूल्स होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव टूल्स और एक होते हैं नेगेटिव टूल्स। जब पॉजिटिव टूल्स काम नहीं करते तो मजबूरी में आकर वहां के मैनेजमेंट को नेगेटिव टूल्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं पॉजिटिव टूल्स ऑफ मोटिवेशन। तो आपको नाम से ही पता चल गया है कि पॉजिटिव मींस पॉजिटिव फैक्टर्स जो है, पॉजिटिव टूल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पॉजिटिव टूल्स ऐसे टूल्स है जो कि एक पर्सन को या एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं कि वो अच्छा काम करे, और अगर उसे पॉजिटिव टूल्स मिल रहे हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वो सेटिस्फाई होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सैलरी बढ़ा दी, आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपकी सैलरी बढ़ा दी, आपकी पोजीशन जो है आपको आपके प्लेस से प्रमोट कर दिया है और आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, रिकग्नाइजेशन मिलती है, तो इससे एम्प्लॉय जो है, ये पॉजिटिव टूल्स हैं और इससे एम्प्लॉय काफी ज्यादा खुश होता है और वो मोटिवेटेड होता है और काम अच्छे से करता है। तो सबसे पहला जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, रिकग्नाइजेशन एंड अप्रिसिएशन, तो को हर एम्प्लॉय की या हर ह्यूमन बीइंग की एक नीड होती है कि जो भी वो काम कर रहा है उस काम की उसको रिकग्नाइजेशन या पहचान मिले और सारे मैनेजमेंट जो है वो उसके काम को अप्रिशिएट करे। तो अगर उसे वर्क प्लेस पर रिकग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा और अच्छे से वो काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट इन पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉय, अगर वहां का मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है तो एम्प्लॉय जो है वो मेंटली अच्छे से काम नहीं करेगा। लेकिन यही अगर एम्प्लॉयज जो है उसके फैमिली बैकग्राउंड को, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देता है, उसे पर्सनल प्रॉब्लम्स पे भी सपोर्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करता है कि हाँ
जहां पर मैं काम कर रहा हूं वो मेरे फैमिली जैसी है। तो ये देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। When the son of an employee passes his board examination, अगर कोई एम्प्लॉय है उसका चाइल्ड जो है वो पास हो रहा है और पास होने पर उसकी रैंकिंग या कुछ भी आई है या इवन पास भी हो रहा है, तो अगर बॉस उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे कि आपका बेटा पास हुआ है, तो यहाँ पर उसे लगता है कि हाँ बॉस भी मुझे फैमिली मान रहा है और वो मोटिवेट होगा और काम करेगा अच्छे से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप आई होप आपको समझ आ गया। उसकी पर्सनल हॉबीज पर भी ध्यान दे क्या है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर जो है वो क्रिएट करे, इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिशन। तो बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज जो है अगर आपस में कॉम्पिटिशन रखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कंपटीशन के थ्रू कि मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से आगे बढ़ना है, तो कंपटीशन के चक्कर में वो ज्यादा काम करते हैं। इसको हम देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसकी फैक्ट्री में गया और उसने क्या किया, बोर्ड पर चौक से सबके परफॉर्मेंसेस जो थे, वर्कर के परफॉर्मेंस, इसने इतना काम किया है, इसने इतना काम किया है, वो सारे चौक स्टेक पर लगा दिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। अब जो दूसरी शिफ्ट के जो वर्कर्स थे उन्होंने बोर्ड पर लिखे परफॉर्मेंस देखे, शिफ्ट ए के डिपार्टमेंट ए के, तो उन्हें लगा कि हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए सबके सामने। तो जो डिपार्टमेंट टू वाले जो थे, दूसरी शिफ्ट वाले जो थे, उनका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा उस सिर्फ सिंपल बोर्ड पर दूसरों की परफॉर्मेंस देखकर। तो अगेन ही रोट दोस फिगर्स ऑन द फ्लोर, सेकंड शिफ्ट के भी उन्होंने लिखे। नेक्स्ट, एंड इवन द वर्कर्स ऑफ द थर्ड शिफ्ट, वो परफॉर्मेंस को देखकर जो थर्ड शिफ्ट वाले वर्कर्स जो थे वो और ज्यादा मोटिवेटेड हुए कि नहीं हमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ानी है ताकि के वो सबको दिखे मेरी परफॉर्मेंस। तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आया और उससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ी, वो काम ज्यादा करने लगे और इसीलिए कुछ सिंगल मनी, कुछ पैसे बोर्ड पर लिखा, कुछ पैसा भी नहीं लगा उस पर, कोई मनी नहीं हुआ और कंपटीशन जो है वो हुआ और उससे कंपटीशन के थ्रू एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंस ऑफ प्राइड, मीन्स एक प्राइड, फीलिंग ऑफ प्राइड जो है वो अगर हो एम्प्लॉय की तो इट कैन प्रूव बी टू बी द पावरफुल टूल ऑफ मोटिवेशन। अगर हम सेंस ऑफ प्राइड जो है एम्प्लॉयज को कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मोटिवेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर किसी वर्कर के काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो काफी ज्यादा प्राइड जो है वो फील करता है सबके सामने कि मेरे हार्ड वर्क को पहचान मिली है। तो ये पॉजिटिव टूल है और सेंस ऑफ प्राइड की वजह से वो और मोटिवेटेड होगा और अच्छे से वो काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स अगर हम कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी जो कि बड़े एम्प्लॉयज को मिलती है या मैनेजर्स को मिलती है, अगर वही जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी एम्प्लॉय को दे दें तो वो समझेगा कि वाह, जो मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती थी वो मुझे दे दी गई है कि कंपनी जो है मुझ पर ट्रस्ट करती है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्रिएट हो जाता है और वो सोचता है कि कंपनी जो है वो मेरे पर विश्वास या कॉन्फिडेंस रखती है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने से या डेलीगेट करने से भी एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट, तो सबको पता ही है सबको पैसा कमाना है, तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मींस पैसों के रूप में किसी को कि आप अगर ज्यादा काम करोगे तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, आपको प्रमोट करेंगे, आपका पे पैकेज बढ़ जाएगा, हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के आपको एक्स्ट्रा मनी देंगे। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल, मनी जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसेंटिव है। तो मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए वो मोटिवेटेड होगा कि मुझे ज्यादा काम करना है और इसी के बदले मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी एक तरह का मोटिवेशन टूल है जिससे कि एम्प्लॉय जो है ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ज्यादा काम करते हैं। तो ये थे हमारे सारे पॉजिटिव टूल्स ऑफ मोटिवेशन, जहां पर हम पॉजिटिवली एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि हाँ, इस जिससे हमारे
कंपनी के गोल जो है वो अचीव हो। अब नेगेटिव टूल देखते हैं, तो अगर पॉजिटिव टूल्स काम नहीं कर रहे हैं, हमने देखा ही है कि हर जगह अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हैं और दूसरे जो कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बातों को भी नहीं मानते, वो अपने मनमानी करते हैं, तो इसीलिए वहां पर मैनेजमेंट को नेगेटिव टूल जो है वो जबरदस्ती लगाने ही पड़ते हैं। जब पॉजिटिव टूल्स जो है वो काम नहीं कर रहे, तो हमें मैनेजमेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है और उसे नेगेटिव इंसेंटिव्स या टूल्स जो है वो एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। हम देखेंगे क्या है कि कुछ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमेशा इनडिसिप्लिन रहते हैं, लेट आते हैं, कोई उनको उनको ये भी दिया, पॉजिटिव टूल्स भी दिया, लेकिन वो अपनी मनमानी ही करते हैं, वो कोई मोटिवेशन या कोई हार्ड वर्क नहीं करते। तो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए मैनेजमेंट जो है वो नेगेटिव टूल्स या इंसेंटिव का यूज करती है। अब ये हमें 2 मार्क्स में पूछते हैं, व्हाट आर द नेगेटिव टूल्स ऑफ मोटिवेशन, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। जैसे कि देखो, उसको डराएंगे कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी, तो इस डर के कारण वो करेगा डिमोशन। प्रमोशन का अपोजिट होता है डिमोशन। अगर आपने काम अच्छे से नहीं किया तो आपकी पोजीशन को हम डिमोट कर देंगे, आपकी जॉब पोजीशन जो है वो लोअर लेवल कर देंगे, तो इस डर से वो काम करेगा वेज कट। आपकी सैलरी जो है वो हम काट देंगे, आपकी जो भी लीव, जो आप छुट्टियां ले रहे हो इतनी ज्यादा, उसका पैसा हम काटेंगे। पेनल्टीज हम आप पर लगा सकते हैं अगर आपने ये पर्टिकुलर काम जो है वो किया है और अल्टीमेटली आप सारी बात नहीं मान रहे हो अभी भी, तो हम पूरी तरीके से आपको डिसमिस जो है वो कर देंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं नेगेटिव टूल्स है, जिसकी डर की वजह से अगर ये होता है तो उससे जो है वो एम्प्लॉय जो है वो जबरदस्ती उसको काम जो है वो करना ही पड़ेगा नेगेटिव टूल्स ऑफ मोटिवेशन से। तो ड्यू टू फियर ऑफ नेगेटिव स्टेप्स की वजह से जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो काम करेंगे, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव टूल से वो मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे निकाल देंगे, मेरी पगार काट देंगे। तो इसीलिए कभी कभी मैनेजमेंट को ऐसे इनडिसिप्लिन एम्प्लॉयज के लिए नेगेटिव टूल्स ऑफ मोटिवेशन भी लाना पड़ता है, जिससे कि वो काम करे और डिसिप्लिन हो। तो हमारा मोटिवेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जो कि VNSU में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने अलग अलग मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ी, मास्लोस की थियोरी पढ़ी, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थियोरी पढ़ी, फिर हमने मोटिवेटर्स के बारे में देखा हर्ज़बर्ग में, फिर हाइजीन फैक्टर्स देखे, फिर हमने टूल्स ऑफ मोटिवेशन देखा जिसके अंदर पॉजिटिव टूल और नेगेटिव टूल्स के बारे में समझा। तो ये जो सारे टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। एग्जाम में VNSU की शॉर्ट इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं, भले वो ज्यादा लॉन्ग आंसर्स हो या 2 मार्क्स के हो, जो कि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन ही किया है कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही आगे VNSU या BCom के वीडियोस के लिए या दूसरे एकेडमिक लेवल के वीडियोस के लिए हमारे चैनल शेपर्स एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।